बस स्वागत है आप सभी का कर्नाटक एक्सप्रेस में। और सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, जहां मैसूर में सरकार के बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ भैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योजना में 2 लाख करोड़ की कमी है। बीजेपी ने 5 सालों में डॉलर भारतीय रुपया डॉलर के समान होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के दौरान GDP 9% थी और लेकिन अब मोदी सरकार में 4.5% गिर गई है और अब GDP को 6% तक ले जाने के आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन इस विषय पर क्या होता है देखना होगा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बजट किसान और युवकों के लिए आशादायक बजट नहीं है। योजना को उड़ान नाम तो अच्छे दिए थे, लेकिन इसका फायदा कॉर्पोरेट संस्थानों को मात्र मिल रहा है। किसानों की कमाई में बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿಕೊಂಡು ಅದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ರೈತರು ಬಹಳ 100 ಎಕರೆ 200 ಎಕರೆ. ವಿಷ್ಣುಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ सौमित्र खान ने CAA के समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय पर हमला बोला है, जिसके लिए CAA ने सार्वजनिक रैली में भाग लिया और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आपका चेहरा मंडल जैसा है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देने की मांग करते हुए बीजेपी सांसदों ने मांग की और बीजेपी अपनी दोहरी बैठक करेगी। আমি পার্থ চ্যাটার্জিকে হোঁদল বলছি, হোঁদল। আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটা বনে একটা জন্তু বাস করে, সেই জন্তুটার নাম হচ্ছে হোঁদল। উনাকে কেস করতে বলুন। পার্থ চ্যাটার্জি একটা হোঁদল, তার জন্য উনি আমাদের সভাপতিকে উল্টো পাল্টা কথা বলেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে সাংসদ বিজেপির, সে তো বিরুদ্ধে বলবে। আর দ্বিতীয়ত কথা যে টাকা কে নিয়েছে, এটা সৌমিত্র খানের থেকে ভালো কেউ জানে না। আর কিসের টাকা? সৌমিত্র খা প্রকাশ্য মন্ত্রী যখন বলেছে, সৌমিত্র খাকে চ্যালেঞ্জ করছি, কিসের টাকা, কে নিয়েছে, কিভাবে নিয়েছে। গোকাক তালুকা কে কন্নুর শহর মে আচার্য শান্তি সাগর তপোবন শিক্ষা সংস্থা কা বেলা গাবে জেলা পঞ্চায়েত অধ্যক্ষ আশা প্রশান্ত রাও এহলে নে নিরীক্ষণ কিয়া। পঞ্চায়েত অধ্যক্ষ নে हर एक कक्षा को जाकर बच्चों से बातचीत की और उन्हें महान लोगों की कहानी पढ़ने का अभ्यास बनाने को कहा और बाबा साहब अम्बेडकर के वाक्य याद दिलाकर शिक्षा का महत्व समझाया और इसके पहले प्रधान अध्यापिका शिक्षकों और बच्चों ने उनका स्वागत किया। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುದವನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರವರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಗಣಿತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಹಠಾತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಪ್ರಶಾಂತ ರಾವಳೆ ಇವರ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಹೇಹೂಬ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಜಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ವಿಜಯಪುರ ಮೇ ಗ್ರಾಹಕೋ ಕೋ ವಿದ್ಯುತ್ उपयोग में जानकारी उपलब्ध कराने और जागृति लाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम तय किया गया, जिसके तहत आज KEB समुदाय भवन में ग्राहकों को विद्युत उपयोग की जानकारी दी जाएगी। 5 फरवरी को निस्तार मढ़ी लाल बंगले के नजदीक ही मैथ्यू चर्च में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कप्पल में विधायक का हलप्पा को सचिव बनाने के उद्देश्य से कलबुर्गा शहर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता
हनुमान की देवस्थान में विशेष पूजा और प्रार्थना की। ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಸಕರ ರಾಯಚೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆರ್ವಾರ್ ತಾಲೂಕಾ ಕೆ ಬಾಲಕಲ್ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಪಾನಿ ಮೇ ಡೂಬೆ ಬಿಜಲಿ ಕೆ ಪೋಲ್ ಸೆ ಕಭಿ ಭಿ ಬಡಾ ಹಾದಸಾ ಹೋ ಸಕತಾ ಹೈ ಬಿಜಲಿ ವಿಭಾಗ ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಖಂಬೋ ಕೋ ಹಟಾನೆ ಕಾ ಆಗ್ರಹ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ ಲೇಕಿನ್ ಲೋಗೋ ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾಓ ಕಾ ಸಮಾಧಾನ ನಹೀ ಹೋ ಸಕಾ ಜಂಗ ಯುಕ್ತ ಖಂಬೆ ಟೂಟನೆ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಪಹುಂಚ ಗಯೆ ಹೈ ಇನ್ ಖಂಬೋ ಪರ್ ಬಂದೆ ಬಿಜಲಿ ಕೆ ತಾರ ಭಿ ಕಾಫಿ ಪುರಾನೆ ಹೈ और वे इतने ढीले हो चुके हैं कि तार एक दूसरे तार से टकरा रहे हैं। दावणगेरे में सीए एनआरसी और एनपीआर के विरोध में मुसलमान महिलाओं से विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के अहमद रजा पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति पर विरोध जताते हुए वक्ताओं ने कहा है कि देश में सभी नागरिक एक समान है, लेकिन मुसलमानों पर निशाना साधने के लिए सीए कानून लाया गया है। कलबुर्गी में अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष गोविंद करजोल लापता हो गए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कन्नड़ संगठन पुलिस थाने पहुंचा। 5, 6 और 7 फरवरी को अकेला भारत कन्नड़ का साहित्य सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन को केवल 4 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन सम्मेलन स्वागत समिति के अध्यक्ष गोविंद करजोल के लापता होने से लोगों में आक्रोश है। कलबुर्गी में किसानों के 10 क्विंटल के बदले 25 क्विंटल तौर खरीदने पर 1,000 रुपए प्रोत्साहन देने की मांग की जा रही है। इस संबंध में प्रांत किसान संघ किसान सभा और किसान नेता मारुति मानपड़े के संयुक्त रूप से मांग की है। उनका कहना है कि सरकार तौर खरीदने पर देरी कर रही है। तौर उगाने वाले किसानों 4,500 रुपए के तौर किसान बेच रहे हैं। ಡೇ ಬೈ ಡೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರವರೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆ ಕುಂಡ್ಲೂ ಪ್ಯಾಟ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಈದ್ಗಾ ಕೆ ಪೀಚೆ ಕುಚ್ ಮವೇಶಿಯೋ ಕೆ हड्डियों के धंधे पर रोक लगा दी गई है। इस विषय को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, जिसके बाद तहसीलदार और अधिकारियों ने गैर कानूनी निर्माण भवनों पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि इन हड्डियों का उपयोग नकली डालडा ग्रीस और साबुन को तैयार करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग कपड़ों के बटन और चीनी को सफेद करने के लिए किया जाता है। ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಆದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೇ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನ ಕಿಯಾಗ್ಯಾ. ಇಸ್ ಶಿಬಿರ ಮೇ ಟಿಆರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸೇನಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಿತ ಅನ್ಯ ಲೋಕ ಶಾಮಿಲ್ ಹುಯೆ. ಜಿಸ್ಕಾ ಆಯೋಜನ प्रसांद्र कॉलेज के मैदान पर किया गया और इस शिविर में कॉलेज के सहभागियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें 30-40 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शिविर में एकत्रित 50 यूनिट रक्त स्टोर हुआ, जिसे भारतीय रेड क्रॉस संस्था को दिया जाएगा। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ 50 ಯೂನಿಟ್ ಕಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 50 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಲ್ಜನ್ ಮೆತ್ತಾ ಕುಚುವಾರ್ ಖಬರೋಕ್ಲಿಯ ದೇಖ್ತೇ ರಹಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್.